हफ्ता हो गया है मेरे पति के देहांत को, हफ्ता हो गया है, घर मकान भी गिर गए हैं। और मैंने एक टीन का डारा जैसा बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने बच्चों को रखती हूँ। अर्की मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर झंगून पंचायत के मटोक गांव की 32 वर्षीय शालू के लिए यह जुलाई महीना दुख भरे दिन लेकर आया। इस महीने की शुरुआत में जहां उसके पति धनपत की लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया, वहीं कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश ने उसके पुश्तैनी घर को भी रहने लायक नहीं छोड़ा। अब शालू टीन की चदरों से बनाए हुए अस्थाई घर में मुश्किल की इस घड़ी में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। शालू को एक और जहां अपने 37 वर्षीय पति धनपत के जाने का दुख है, वहीं अपने 3 बच्चों के भविष्य की भी चिंता सताने लगी। शालू का कहना है कि पिछली बरसात में उसका मकान बारिश के चलते गिर गया था, जो थोड़ा बहुत बचा था वह इस बरसात में पूरी तरह ढह गया। इसके साथ ही उसकी गौशाला भी इस भारी बरसात में गिर गई। अब उन्हें अपने पशुओं को छत नसीब करवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पति करीब 2 साल से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित थे। जो भी पैसा उन्होंने जोड़कर रखा था वह उनकी बीमारी में लग गया। उसके बावजूद भी वह बीमारी को मात नहीं दे पाए और स्वर्ग लोक से धार गए। शालू ने कहा कि उसकी 2 बेटियां व 1 बेटा है जिनके भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरा नाम शालू है, मैं ग्राम्य पंचायत जिगून मुटोक की रहने वाली हूँ। मेरे पति ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है थे और मेरे पति का देहांत हफ्ता हो गया है मेरे पति के देहांत को, हफ्ता हो गया है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर बरसात के कारण मेरे घर मकान भी गिर गए हैं। और मैंने एक टीन का डारा जैसा बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने बच्चों को रखती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे से बच्चों का खर्चा, स्कूल का खर्चा बड़ी मुश्किल है। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए। मेरा नाम राम सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला, मटोक गांव का रहने वाला हूँ। इनके कांशी राम इनके फादर का नाम है, जो बेटा एक्सपायर हुआ इनका, और इनकी हालत बहुत खस्ती है। इनका मकान सारे गिर चुके हैं। सरकार से मेरी यही निवेदन है कि इनको कुछ सहायता दी जाए और इनका परिवार अच्छे से काम कर सके। मैं अमिता देवी, प्रधान ग्राम पंचायत जगून। मेरी पंचायत में 3 तारीख को गांव मटोक में धनपत की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई। उसके परिवार में एक उसकी बीवी और 3 बच्चे हैं। उसका मकान पिछली बरसात और इस बरसात में भी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हमने पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भेजा है और दोबारा भी BDO साहब से इसके बारे में, इस मामले को संज्ञान में लाएंगे।